नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो कहानी सचमुच बहुत कुछ आज हमें सिखाने वाली है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है टोंग। इसकी ही पहले में भी मैंने कहानी सुनाई थी। क्या होता है दोस्तों कि जो ओमेगा इंस्टीट्यूट में समूह में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो तकरीबन उनका 5-6 दिन का ऐसा समूह सेशन होता है। तो हर रोज़ वो नए नए जन्म कभी कभी उनके सामने आते हैं। तो पहले जो हमने कहानी देखी थी उसकी, वो अलग जन्म था, और आज हम अलग जन्म के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जिस कहानी किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, और जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन वीज जी। टोंग के साथ दोस्तों ऐसा था कि उसके शादी को दोस्तों 6 साल हुए थे, और फिर भी उनको बच्चा नहीं था। तो इस वजह से वो बहुत ही टेंशन में थी, और उसको लगता था कि शायद उसको बच्चा हो जाए, और उसके बाद वो अपने, मतलब कहते हैं ना, कि बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहे। लेकिन इसके वजह से वो ज़्यादा दुखी थी दोस्तों, और उसका पति भी दुखी था। जब टोंग ने दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो कर रही थी, तब उसके आंखों के सामने दोस्तों कुछ एक ऐसा पल आया, या फिर एक ऐसा जन्म आया। उस जीवन में दोस्तों क्या था कि वो जो टोंग है ये लड़की, उस जीवन में एक पुरुष थी, और वो जो पुरुष था दोस्तों वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। मतलब वो युद्ध में जैसे लड़ते हैं वैसा एक बहुत बड़ा योद्धा था। और टोंग ये कहती है कि उसका जो कद था वो बहुत ही ऊंचा था, और वो एक ऐसा इंसान था दोस्तों कि वो जैसे होता है ना कि जब वो चलते हैं रास्ते पर तब घर धरती पे कांप उठती है, वैसा वो बहुत ही बड़ा योद्धा था दोस्तों। और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था, मतलब युद्ध में दोस्तों वो उस हथौड़े से लड़ता था, और सारे लोग उसको डरते थे, इतना बड़ा वो योद्धा था। और टोंग ये कहती है कि उस जन्म में दोस्तों उस योद्धा ने एक युद्ध जीत कर वो अपने घर पर लौट आ रहा था। तो वो घर पर जब जा रहा था, तब उसने कुछ उसका विवरण किया है कि रास्ते में कोई नहीं था, इसको सब लोग देखकर ऐसे डर जाते थे या फिर चुप रहते थे। मतलब इसका दबदबा बहुत ज़्यादा था उसके एरिया में। और वो जो इंसान था दोस्तों, तब वो अपने घर पर आया, और उसको बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत सालों के बाद वो अपने घर वालों को देख रहा है। और यह युद्ध का गया था दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध को अगर कोई सैनिक गया तो ऐसे ही होता है कि वो फिर से आएगा कि नहीं। तो इस वजह से भी वो खुश था कि मैं फिर से अपने घर पर लौट आया, और उसने फिर से अपने बच्चों को देखा। उसको एक ही ये जन्म आया दोस्तों, याद आया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। लेकिन अगर सच कहूँ तो इस जन्म में उसको कुछ सीखने नहीं मिला, या फिर अभी जो परेशानी मैंने आपको कही कि उसको कोई बच्चा नहीं था, तो इसकी जो परेशानी की भी हल नहीं हुआ इन सारी चीज़ों से। लेकिन इसके बाद दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो उसका नहीं हुआ, लेकिन एक बचपन की जो एक याद दोस्तों उसके मन की, वो उसकी आंखों के सामने आई। वो क्या याद थी, और उस याद ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। ये जब 6 साल की थी टोंग, तो वो ये कहती है कि उसका जो बचपन है, मतलब जो स्कूल है दोस्तों, वो चीन में हुआ था। और वो ये कहती है कि बचपन में दोस्तों जब ये 6 साल की थी, तब एक स्कूल में वो जाती थी, और एक दिन वो अपने स्कूल में दोस्तों उसकी माँ जो थी उसको लेने के लिए नहीं आई। मतलब क्या कि उसकी माँ को मतलब लेट हुआ, या फिर वो भूल गई उसको लाना, और ऐसी कुछ चीज़ हो गई। तो इस वजह से ये जो लड़की थी दोस्तों, वो स्कूल के गेट के बाहर बहुत ही डायरी से में सी खड़ी थी वहाँ पर, कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए कब आएगी। तकरीबन 1-1.5 घंटा वो वहाँ पर ही वेट कर रही थी, और बहुत ही घबराई हुई थी दोस्तों। तो इस वजह से जिस तरह से ये टेंशन में थी दोस्तों, उसके बाद इसको क्या पता, लेकिन इसके मन ने ही उसको उत्तर दिया कि तुम्हारा जो घर है, उसका घर जो था दोस्तों, वो स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक 15-20 मिनट में ही वो चलकर जाए तो आ सकता था। उसके मन ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हें घर का रास्ता भी पता है, और अगर तुम्हें घर का समझो रास्ता भी नहीं पता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 मिनट का अंतर, मतलब उसके रास्ते के कुछ लोग भी इसको पहचानते होंगे, तो वो भी उसको घर छोड़ सकते थे आराम से, या फिर उनको पूछ कर भी जा सकती थी। तो उसके मन ने उसको कहा कि तुम जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, तुम जितना अपने हिसाब से जा सकते हो उतना जाओ। और वो लड़की जो दोस्ती थी दोस्तों टोंग, जब 6 साल की उम्र में थी, जब यही इसी जन्म की यह बात है, तब वो अकेले ही वहाँ पर घर पर चली गई, और वो बहुत ही ठीक से वहाँ पर पहुँच गई, सुरक्षित रीति से घर पर पहुँच गई दोस्तों। ये जो चीज़ है वो बहुत ही छोटी है, हम भी यही कहेंगे दोस्तों कि इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन टोंग ने इन सारी चीज़ों से ये सीखा, उसको तो पहले ये लगा कि मेरे सामने वो पल क्यों आया, क्योंकि वो तो उसको भुला चुकी थी, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे पल का आने का कारण क्या हो सकता है। तो इस वजह से उसके मन ने ही फिर से उत्तर दिया, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि कभी कभी अगर हमारे मन में खुद ऐसे विचार आते हैं, तब वो हमारे मन के कभी कभी नहीं होते। एक तो हमारे मार्गदर्शक भी वैसे विचार डाल सकता है, या फिर उच्च वाली आत्माएं डाल सकती है, या फिर हमारे जो करीबी आत्माएं होती है वो भी कभी कभी अच्छे विचार डालते हैं दोस्तों। तो टोंग जो थी दोस्तों, उसके मन ने उसको विचार करने के लिए प्रवृत्त किया। तो वो क्या विचार था, उसने ये कहा कि तुम्हें
बच्चे समझो नहीं हो रहे तो उसमें उसकी तुम्हारी गलती नहीं है, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे हाथ में नहीं है, उससे अच्छा ये है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम करो। जैसे वो लड़की डरी सहमी सी वहाँ पर खड़ी थी, उसका मदद करने वाला कोई नहीं था, ऐसे वक्त में वो लड़की क्या कर सकती है, वो महत्वपूर्ण था और उसने वो किया और वो अपने घर पर चली गई दोस्तों। तो उसी तरह टोंग के सामने आज भी ऐसी ही परिस्थिति है कि वो किसी और चीज़ के भरोसे आज रह रही है, लेकिन बाद में टोंग को दोस्तों उसका उत्तर मिला और बाद में टोंग ने क्या किया, उसने अपने पति के साथ बात की और उसने दोस्तों दो लड़कियों को गोद लिया। इन सारी चीज़ों से टोंग ने कहा कि दो अच्छे बड़े फ़ायदे हुए, एक तो उन जो बच्चे थी बच्चियाँ थी वो बहुत ही गरीब थी घराने की और उसके उनके माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ आश्रम की लड़कियाँ थी, तो उनको एक अच्छी ज़िंदगी वो दे सकती है, ये एक अच्छी चीज़, और इनको भी अपने बच्चे मिल गए, ये दूसरी चीज़ उनको दोस्तों अच्छी लगी और वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही है दोस्तों। ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जो और को और पे यहाँ पर भरोसे के करने के अच्छा है, या फिर एक कभी कभी होता है ना कि हम किसी पर हमारे जो हाथ में नहीं है दोस्तों उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, उससे अच्छा ये है कि अपने हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को कितना बदल सकते हैं दोस्तों। तो वही टोंग ने जो हम सबको मैसेज दिया है, और इसी तरह से अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे हाथ से भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और हमारी जो परेशानी है वो भी कभी कभी दूर हो सकती है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।